नमस्कार, मैं हूं संपदा झा और आप देख रहे हैं प्रभात वार्ता। अब जमाना है थीम शादी का। दुल्हन और दूल्हा बॉलीवुड के हीरो हीरोइन की तरह सजते संवरते हैं, मेकअप करते हैं, फोटोशूट करवाते हैं। दुल्हन जैसी भी हो उसे हीरोइन की तरह बनाने में मेकअप आर्टिस्ट कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। कई लोग तो ये तक दावा करते हैं कि अगले दिन दुल्हन को कोई पहचान भी नहीं सकता। वही दुल्हन के मेकअप को लेकर कई तरह के मीम्स भी बन रहे हैं जो कि सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहे हैं। शादी में दूल्हा और दुल्हन आकर्षण का केंद्र होते हैं। ऐसे में शादी में मंडप और मेहमानों की लिस्ट सहित खाने पीने से ज्यादा लोग दुल्हन और दूल्हे की सजावट पर ध्यान देते हैं। दूल्हे को तो सजाने में ज्यादा परेशानी नहीं होती, पर दुल्हन को शादी के 10 दिन पहले से ही अपने चेहरे पर ध्यान देना पड़ता है। यहाँ तक कि कई महीने पहले दुल्हन को पार्लर बुक कर लेना होता है। ऐसे में पार्लर वाली दुल्हन को सजाने के लिए अच्छा खासा डिमांड भी करती है। दुल्हन को सजाने की रेट की बात करें तो पार्लर वाली 10,000 से लेकर 25,000 उससे ज्यादा भी चार्ज लेती है। जब चार्ज इतनी ज्यादा है तो मेकअप भी वैसा ही होता है कि पता ना चले कि दुल्हन पहले कैसी दिखती थी। दुल्हन के चेहरे के हर दाग को छिपाकर बेदाग चेहरा देना ही पार्लर वालियों का काम होता है। कई बार तो यह परेशानी का सबब बन जाता है। दूसरे दिन इस तरह का भी आरोप लगाया जाता है कि शादी किसी और से हुई, दुल्हन कोई और है। दूल्हा यहाँ तक आरोप लगाता है कि दुल्हन बदल दी गई है, लेकिन हकीकत में दुल्हन नहीं बदलती बल्कि बगैर मेकअप के दुल्हन अलग लगती है। हाल ही में मध्य प्रदेश के भिंड जिले में शादी के दौरान दुल्हन बदलने का मामला दर्ज करवाया गया था, जिसमें जांच के बाद पता चला कि लड़की को शादी के वक्त मेकअप से अलग चेहरा दिया गया था। दुल्हन के मेकअप को लेकर सोशल मीडिया में भी कई तरह के मीम्स बनते रहते हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार दुल्हन अपनी शादी में ही ना सजे तो कब सजे, क्योंकि शादी तो एक ही बार होती है। तो क्या शादी के दिन भी दुल्हन मेकअप से परहेज करे? आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Thank you.